विशाल जादुई सोने का मुर्गी घर। दीनापुर गांव में अनीता नाम की एक लड़की रहती थी। अनीता के माँ बाप की मृत्यु हो चुकी थी। हे भगवान, आपने मेरे माँ पापा को क्यों छीन लिया? अब मैं किसके सहारे रहूंगी? अगले दिन अनीता गांव के घरों में काम ढूंढती है। सुबह से ढूंढ रही हूँ, कहीं कोई काम नहीं मिल रहा। तभी अनीता एक अंडे वाले की दुकान पर जाती है। अंकल जी, आप मुझे अपनी दुकान पर रख लीजिए, मैं आपके अंडे दुकानों पर बेच आया करूंगी। अरे बेटी, तुम बहुत छोटी हो, तुम ये अंडे नहीं बेच सकती। तुम ऐसा करो, मेरे मुर्गी फार्म से अंडे इकट्ठे कर लिया करो। अनीता खुश हो जाती है और अगले दिन से मुर्गी फार्म पर अंडे इकट्ठे करने लगती है। उसी से उसका गुजारा अच्छा चल रहा था। एक दिन, अरे अनीता, इस मुर्गी की टांग में क्या हुआ है? लगता है इसे कोई बीमारी हो गई है। इसे वसीम की दुकान पर दे आना, वरना ये दूसरी मुर्गी को भी बीमार कर देगी। लेकिन वो तो इस मुर्गी को काट कर बेच देगा। हाँ तो सही तो है, अब इस मुर्गी का यहाँ कोई काम नहीं है। अंकल, ये मुर्गी आप मुझे दे दो। अरे तुम इस बीमार मुर्गी का क्या करोगी? आप मुझे बस ये मुर्गी दे दो ना, प्लीज अंकल। अनीता की जिद करने पर दुकान वाला मुर्गी उसे दे देता है और अनीता मुर्गी को घर ले आती है। आओ आओ, मैं तुम्हारे चोट पर हल्दी लगा दूं। मेरी माँ बोलती थी कि चोट पर हल्दी लगाने से चोट ठीक हो जाती है। अनीता उसकी चोट पर हल्दी लगा देती है, लेकिन उसकी चोट ठीक नहीं होती और दिन पर दिन उसकी हालत और खराब होने लगती है। मेरे पास तो इतने पैसे भी नहीं है जो मैं इसका इलाज करवा सकूं। धनी राम अंकल के पास जाती हूँ, उनसे कुछ पैसे उधार ले लेती हूँ। अनीता धनी राम से पैसे मांगती है। क्यों ना इसका मकान अपने नाम करवा लूं, इसके आगे पीछे भी कोई नहीं है। ए लड़की, पैसे तो मैं दे दूंगा, लेकिन तुझे अपने घर के कागज मुझे देने होंगे। बेचारी अनीता अपने भोलेपन में उसे अपने घर के कागज दे देती है और पैसे लेकर अपनी मुर्गी का इलाज करवाने लगती है। अब मेरी मुर्गी बिल्कुल ठीक है। तभी धनी राम आता है। ए लड़की, चल निकल इस घर से, ये घर अब मेरा है। मैं अकेली कहाँ जाऊंगी? मैं जल्दी ही आपके पैसे दे दूंगी अंकल। धनी राम अनीता की एक नहीं सुनता और उसे घर से बाहर निकाल देता है। अब मैं कहाँ जाऊँ? मेरा तो कोई भी नहीं है। अनीता जहाँ जहाँ मदद मांगने जाती है, सब उसे डांट कर भगा देते हैं। अब हम कहाँ जाएं? मेरी प्यारी मुर्गी, तुम्हें बताओ। तभी मुर्गी जंगल की तरफ भाग जाती है। अरे मेरी प्यारी मुर्गी, कहाँ जा रही हो? सुनो तो, इधर आओ, उधर जंगल है, मत जाओ, उधर जंगल है। अनीता की मुर्गी जंगल में एक गुफा में चली जाती है। अरे मुर्गी, तुम इस गुफा में क्यों आई हो? तुम्हें पता है ना, बाहर बहुत तेज बारिश आने लगी है, आज रात यहीं रुक जाते हैं। उस दिन से अनीता उस गुफा में ही रहने लगती है। एक दिन अचानक से उस गुफा में एक साधु बाबा आते हैं। अरे ओ छोटी बच्ची, तुम इस गुफा में क्या कर रही हो? मेरे पास घर नहीं है, मैं और मेरी मुर्गी यहीं रहते हैं। अनीता ने बाबा को सारी बात बताई। ये लो बेटी, अब से ये मुर्गी कोई साधारण मुर्गी नहीं रही, ये एक जादुई सोने की मुर्गी बन गई है। लेकिन मैं इस जादुई सोने की मुर्गी का क्या करूंगी? इसे तुम अपने गांव में ले जाओ, तुम इसे जो बोलोगी ये वही करेगी। अच्छा बाबा, इसे मैं अपने गांव ले जाती हूँ। और अनीता अपने गांव में आकर, ए जादुई सोने की मुर्गी, मुझे रहने के लिए घर दे दो। तभी जादुई सोने की मुर्गी एक विशाल सोने के घर में बदल जाती है। अरे वाह, ये तो कितना विशाल सोने की मुर्गी का घर है। मुर्गी घर के अंदर जाकर, अरे इसमें तो कुछ भी नहीं है, ये तो बिल्कुल खाली है। बाहर आकर अनीता मुर्गी से कहती है, हे विशाल जादुई सोने की मुर्गी, इस घर में तो कुछ भी नहीं है,
ऐसे कैसे रहूंगी मैं इस घर में? तुम अंदर तो जाकर देखो, तुम्हें अंदर सब कुछ मिलेगा। अरे वाह, यहाँ तो सब कुछ है, कितना सुंदर घर है। धीरे धीरे ये बात सारे गांव में फैल जाती है और तभी धनी राम अनीता के पास आता है। अरे बेटी, ये इतना बड़ा सोने का मुर्गी घर कहाँ से आया? इसे अगर कोई चुरा कर ले गया तो? पास ही में डाकू रहते हैं, अगर उन्हें पता चल गया तो तुम्हें मार कर ये विशाल मुर्गी घर तुमसे ले जाएंगे। नहीं नहीं, ये मुर्गी घर कोई मामूली मुर्गी घर नहीं है, ये एक विशाल जादुई सोने का मुर्गी घर है। ये मेरी मुसीबत में रक्षा भी कर सकता है। अरे ये लड़की तो बहुत चालू है, इसे कितना डरा रहा हूँ, लेकिन मजाल है इसे जरा सा भी डर लग रहा हो। धनी राम वहाँ से चला जाता है। हे विशाल जादुई मुर्गी घर, मुझे बहुत भूख लगी है, अब मुझे कुछ खाने को दे दो। तभी वहाँ पर बहुत अच्छे अच्छे पकवान आ जाते हैं। वाह, बहुत ही टेस्टी खाना था, पहले कभी मैंने ऐसा खाना नहीं खाया। चलो अब सो जाती हूँ। आधी रात को अनीता की नींद खुलती है। ये मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि जैसे सब कुछ हिल रहा है? तभी मुर्गी घर बहुत तेज तेज हिलने लगता है। ये क्या हो रहा है? तभी अनीता मुर्गी घर से बाहर आ जाती है। ये तुम मेरे मुर्गी घर को कहाँ लेकर जा रहे हो? हटो यहाँ से। लेकिन कुछ लोग मिलकर मुर्गी घर को रस्सी से खींचकर ले जा रहे थे। हे विशाल जादुई सोने का मुर्गी घर, इन सबको अच्छा सबक सिखाओ। जैसा तुम चाहती हो वैसा ही होगा। तभी सोने की मुर्गी अपनी चोंच से सबको घायल कर देती है और सब भाग जाते हैं। मजा आया सबको, अब छीन कर दिखाओ मेरा घर। ऐसे ही एक दिन। अरे काका, आप रो क्यों रहे हो? क्या हुआ आपको? क्या बताऊं बेटी, मैंने अपने बेटे के इलाज के लिए धनी राम से कुछ पैसे उधार लिए थे, बदले में उसने चालाकी से मेरा घर अपने नाम करवा लिया। अब वो मुझे घर से निकालने की धमकी दे रहा है, कहाँ जाऊं मैं? ये भगवान। अरे काका आप फिक्र मत करो, मैं कुछ करती हूँ। अनीता मुर्गी के पास जाती है। हे जादुई सोने की मुर्गी घर, तुम मुझे कुछ पैसे दे सकती हो? मुझे काका का घर छुड़वाना है। तभी उसके सामने बहुत सारे पैसे आ जाते हैं और अनीता धनी राम के पास जाती है। ये लो ये पैसे और काका के घर के कागज वापस कर दो। अच्छा, तो तू अब गांव के लोगों की मदद करेगी, जा, नहीं देता कागज, कर ले जो करना है तुझे, वैसे भी कागज मेरे नाम है। हाँ, एक शर्त पर कागज काका के नाम कर सकता हूँ, अगर तू वो विशाल जादुई सोने का मुर्गी घर मुझे दे दे तो। ऐसे नहीं मानेगा ये, इसे तो मजा चखाना ही पड़ेगा। ठीक है, ले लो उस मुर्गी घर को, ले लो। और अनीता वो विशाल मुर्गी घर उसे दे देती है और कागज ले लेती है और घर के कागज काका को दे देती है। तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया बेटी, लेकिन तुमने हमारे लिए अपना घर क्यों दे दिया? अब तुम कहाँ रहोगी? ऐसा करो, तुम हमारे घर ही रह लो। आप देखते रहिए काका, इस धनी राम को तो मैं कैसे सबक सिखाती हूँ। अब ये मुर्गी घर मेरा हो गया, अब इस घर में मैं रहूंगा। हे विशाल जादुई सोने के मुर्गी घर, जरा जोर जोर से हिल कर दिखाओ। उसकी बोलते ही मुर्गी घर जोर जोर से हिलने लगता है। अरे अरे, ये क्या हो रहा है, इतनी जोर जोर से क्यों हिल रहा है ये? अरे अरे, मर गया रे, अरे मेरी कमर, ओए मेरे टूट गई कमर। हे मुर्गी घर, अब जरा जोर जोर से कूद कर दिखाओ। मुर्गी घर जोर जोर से कूदने लगता है। हाय मैया रे, आज तो मर गया मैं। अरे ये मुर्गी घर तो मुझे मार कर ही दम लेगा। अरे मेरा सिर हिल रहा है, अरे अरे सर फूट ही गया रे। अरे बचाओ, अरे कोई है, अरे भैया निकालो रे यहाँ से। क्या हुआ धनी राम जी, आपको ही तो इस मुर्गी घर में रहना था,
अब रहो इस घर में, ये तो मुर्गी घर है, ऐसे ही उछलेगा। अरे नहीं नहीं, अरे मुझे नहीं रहना इस जादुई मुर्गी घर में। अरे भैया निकालो मुझे यहाँ से, अरे निकालो रे। रुको मुर्गी घर, लगता है अब इसकी अकल ठिकाने आ गई है। आगे से ये मुर्गी घर तो क्या, मैं तो कोई भी घर अपने नाम नहीं करवाऊंगा। पूर्णिमा की रात थी, चारों ओर सन्नाटा ही सन्नाटा था, लेकिन अचानक से आंधी चलने लगती है। गांव के कुएं में से एक भयानक बड़े दांत और लाल आंखों वाली एक चुड़ैल निकलती है, जो गांव के किसी घर में जाती है और वहां से छोटे बच्चे को उठाकर उसी कुएं की तरफ ले आती है। उस कुएं में उस बच्चे को फेंक देती है और खुद भी कूद जाती है, जिसके बाद वो बच्चा भूतिया बच्चा बन जाता है। तभी चुड़ैल कहती है, आओ बच्चे मेरे पास, अब से तुम मेरे साथ रहोगे, क्योंकि मैं ही तुम्हारी माँ हूँ और तुम्हारा बहुत ख्याल भी रखूंगी, आओ आओ मेरे बच्चे। चुड़ैल के कहते ही भूतिया बच्चा उसके गले लग जाता है। फिर चुड़ैल उसे कुएं के अंदर ले जाती है, जहाँ एक नदी गुफा से जुड़ी होती है और वहाँ उसी की तरह बहुत सारे बच्चे होते हैं, और वो कहती है, अब से तुम यहीं रहोगे मेरे साथ, समझे? ठीक है माँ। चुड़ैल ये बोलकर उस बच्चे के साथ खेलने लगती है। अगली रात वो फिर किसी बच्चे को उठाने जाती है, साथ ही वो अपने पहले के भूतिया बच्चे को भी लेकर आती है, जहाँ वो भूतिया बच्चा गांव के लोगों को मार देता है और चुड़ैल किसी का बच्चा उठाकर ले जाती है। तीनों फिर से कुएं के अंदर तैरते हुए गुफा में चले जाते हैं। इस तरह हर रात चुड़ैल एक बच्चे का शिकार करके उन्हें कुएं में डाल देती है, साथ ही अपने कई भूतिया बच्चों से गांव के लोगों को मौत के घाट उतरवा देती है। इन सब से पूरे गांव में चुड़ैल की दहशत फैल जाती है। जहां औरतें अपने बच्चे को घर से बाहर निकालने से डरती थीं, वहीं दूसरी ओर रमन अपनी पत्नी ज्योति के साथ मंदिर आया था, जो कि पेशे से एक पंडित था। तभी उसका हाथ पकड़ के कहता है, ज्योति ध्यान से मंदिर की एक एक सीढ़ी चढ़ना, पता है ना नौवां महीना कितना कठिन होता है? जी आप चिंता मत कीजिए, मैं आराम से चल रही हूँ। इस तरह धीरे धीरे रमन ज्योति को मंदिर में ऊपर तक ले आता है। दोनों माता रानी के आगे प्रार्थना करते हैं, हे माँ तेरे घर में देर है लेकिन अंधेर नहीं, आखिर तूने मेरी झोली भर ही दी जिसका मुझे 8 साल से इंतजार था। मैं आपका बहुत धन्यवाद करती हूँ कि आपने मुझे भी माँ बनने का सुख दिया। हाँ माता रानी, अपना आशीर्वाद हमेशा मेरी बीवी बच्चे पर बनाए रखना, बहुत कठिन समय से गुजर कर आप तक पहुँचे हैं। अरे रमन तुम, आखिर तुम मंदिर में लौट आए, और तुम्हारा बच्चा? आचार्य जी अभी तो ज्योति का नौवा महीना चल रहा है, बहुत पूजा पाठ अर्चना की है तब जाकर हमें इसका फल मिला है। कोई बात नहीं, देर से सही लेकिन भगवान ने सुनी तो। खैर रमन तुम अपनी पत्नी के साथ यहीं रुक जाओ जब तक बच्चा ना हो जाए, फिकर मत करो मंदिर में कमरे की व्यवस्था भी है। शुक्रिया आचार्य जी। रमन आचार्य से बात करता है, तभी चुड़ैल मंदिर के बाहर से झांक कर सारी बातें सुन रही होती है और कहती है, इसका मतलब अब बच्चा कुछ ही दिन में आने वाला है, अरे वाह मजा आ गया, अब गोद के बच्चे को भी मैं बाकी बच्चों की तरह भूतिया बच्चा बना दूंगी। बहुत जल्द ही इस बच्चे को ले जाऊंगी मैं। कुछ दिन में ज्योति की डिलीवरी हो जाती है और उसे एक सुंदर सी बेटी पैदा होती है। इसके बाद चुड़ैल मंदिर के बाहर से रमन और ज्योति के बच्चे पर नजर रखने लगती है, लेकिन दोनों में से कोई भी बाहर नहीं निकलता है। तभी चुड़ैल कहती है, ऐसे मैं कब तक उस बच्चे का इंतजार करूंगी, दोनों में से कोई भी मंदिर से बाहर नहीं आ रहा, अब क्या करूं मैं। इस तरह वो एक बार फिर इंतजार करती है। तभी रमन मंदिर से बाहर आता है, उसके आते ही चुड़ैल उसकी गर्दन को दबोच लेती है और हवा में उठाकर कहती है, आखिर तू मेरे पकड़ में आ ही गया, अब मैं तुझे नहीं छोड़ूंगी। कौन हो तुम, क्यों मेरे पीछे पड़ी हो? ये की ना तूने पते की बात, तू मुझे अपना बच्चा लाकर दे दे, मुझे तेरा बच्चा चाहिए। क्या ये क्या कह रही हो तुम, हमने इस बच्चे के लिए बहुत यज्ञ हवन किए हैं तब जाकर हमारी झोली भरी है, आखिर तुम्हें हमारा बच्चा क्यों चाहिए? देखो मैं तुमसे अपने बच्चे की भीख मांगता हूँ, हमें छोड़ दो, बहुत सालों बाद हमारे घर खुशियाँ आई हैं। मैंने बोला ना, जा अपनी बीवी को मंदिर के बाहर बुला कर लेकर आ, मुझे वो बच्चा चाहिए तो मतलब चाहिए। ठीक है लेकिन एक ही शर्त पर मैं तुम्हें अपना बच्चा दूंगा, जब तुम उसका बहुत ख्याल रखोगी, उसे बहुत प्यार करोगी। और तुम्हें मेरा बच्चा क्यों चाहिए इसकी तुम्हें मुझे वजह बतानी पड़ेगी, बताओ अब। वजह है मेरे पास,
एक साल पहले की बात है, मैं अपने पति और अपने दोनों छोटे बच्चों के साथ यहीं इसी गांव में रहती थी। मेरा 5 साल का बेटा रोहन, जिसकी 3 आंखें थी, और मेरी 8 साल की पिंकी, जिसके 3 सर थे। मेरे बच्चे बाकी बच्चों से अलग दिखते थे, इस वजह से गांव वालों की नजरों में हम खटकते थे। फिर अचानक से मेरे पति का एक्सीडेंट हो गया और मैं 3रे बच्चे की माँ बनने वाली थी। ये बात पूरे गांव को पता चल जाती है, तभी गांव वाले मेरे घर के बाहर खड़े होकर चिल्लाते हुए कहते हैं, अरे मारो इसे, गांव से बाहर निकालो, ये एक चुड़ैल डायन है, इसकी तरह इसके बच्चे भी अजीब है। हाँ, एक और बच्चा करने वाली है, कहीं इसका ऐसा बच्चा हमारे गांव के होने वाले बच्चों के लिए खतरा पैदा ना कर दे, इससे अच्छा है इसे बाहर निकाल दो। हाँ हाँ, इसे बाहर निकालो, इस गांव से तुम्हें जाना ही पड़ेगा। लगता है ये ऐसे नहीं मानेगी, चलो इस पर सब पत्थर फेंको, तभी ये जाएगी। ये आप सब क्या कर रहे हैं, मुझे मारना बंद कीजिए। रुको, पत्थर मत मारो। अरे ओ मंजरी, अब मैं तुझे आखिरी चेतावनी दे रहा हूँ, अब तू इस गांव में नहीं रह सकती, समझी? तुझे यहाँ से जाना होगा, पता नहीं तू कैसे बच्चों को पैदा कर रही है, अब तेरा 3रा बच्चा भी ऐसा होगा, इससे अच्छा तू यहाँ से अभी चली जा। नहीं मुखिया जी, आप ऐसा मत कीजिए, इसके पापा भी हमें छोड़कर चले गए, मैं 3ों बच्चों को लेकर कहाँ जाऊंगी, प्लीज हम पर थोड़ी दया कीजिए। मंजरी मुखिया के आगे खूब हाथ पैर जोड़ती है, लेकिन वो उसकी एक नहीं सुनता और सारे गांव वाले चले जाते हैं। आधी रात में मुखिया और गांव वाले मंजरी और उसके बच्चों को देखने आते हैं, लेकिन वो तब भी उसी घर में अपने बच्चों के साथ सो रही होती है। तभी मुखिया कहता है, इसने मेरी चेतावनी भी नहीं मानी। हरिया, रामू, मंजरी और उसके बच्चों को बांध दो और जाकर कुएं में फेंक दो, यही हमारे गांव के बच्चों के लिए अच्छा होगा। जी मुखिया जी। मुखिया के कहने पर गांव के आदमी 3ों को बांध कर आधी रात में गांव के कुएं में उन्हें फेंक देते हैं, जिसके बाद डूबकर 3ों की मौत हो जाती है। तभी कुएं में से गर्भवती चुड़ैल मंजरी की आत्मा बाहर आती है और कुएं के अंदर अपने बच्चे और अपना तैरता हुआ शव देखकर कहती है, ये ठीक नहीं किया मुखिया तूने, मेरे साथ जो किया सो किया, पर तूने मेरे 3ों बच्चों को मार डाला, इसके लिए मैं तुम गांव वालों को हरगिज नहीं छोड़ूंगी। मुखिया आ रही हूँ मैं, अब तुझे मरना होगा। ये बोलकर गर्भवती चुड़ैल मुखिया की जान ले लेती है, जिसके बाद वो गांव के और भी लोगों को मार देती है। लेकिन गांव के कुछ आदमी तांत्रिक की मदद से गर्भवती चुड़ैल को उसी कुएं में मंत्रों से बंद करवा देते हैं, जिसके बाद वो तांत्रिक श्राप देते हुए कहता है, मैं तुझे श्राप देता हूँ, बदले की आग में तेरी आत्मा इस कुएं में कैद होकर रह जाएगी, तू श्राप से तभी मुक्त हो पाएगी जब कोई इस कुएं का पानी पिएगा। छोड़ो मुझे, ना इंसाफी की तुम गाँव वालों ने मेरे साथ, छोड़ूंगी नहीं मैं तुम सबको, अपना बदला लेकर रहूंगी। फिर कुछ महीने बाद एक जोड़े ने आकर इस कुएं को खोलकर पानी पिया, उन्हें नहीं पता था कि वो एक श्रापित कुएं का पानी पी रहे हैं। उसी के बाद मैं दोबारा आजाद हो गई और फिर गांव के बच्चों को भूतिया बच्चा बनाने लग गई। तुम्हारे साथ सच में नाइंसाफी हुई है, तुम्हें अपना बच्चा तब भी नहीं दे सकता। पंडित रमन की पत्नी अनजाने में बच्चे को बाहर ले आती है, उसे देखकर चुड़ैल बच्चा छीनने वाली होती है। इतने में रमन मंत्रों का उच्चारण करके उस पर गंगा जल डाल देता है, जिसके बाद उसे मुक्ति मिल जाती है और इस गांव को हमेशा हमेशा के लिए छोड़कर चली जाती है। गरीब और अमीर के बच्चे। माँ, नया साल आ रहा है, तुम मुझे नए नए अच्छे अच्छे खिलौने दिलाओगी ना? हाँ हाँ बेटा, जरूर, मैं तुम्हें अच्छे अच्छे खिलौने जरूर दिलाऊंगी, लेकिन अभी काम के लिए लेट हो रहा है, चलो काम पर चलते हैं। ठीक है माँ। इतना कहकर सिमरन और सिमरन की माँ भावना वहाँ से अपने काम पर चली जाती है। सिमरन और भावना अपनी मालकिन के दरवाजे की बैल बजाती हैं। तभी थोड़ी देर बाद घर का दरवाजा खुलता है कि तभी वहाँ पर एक माही नाम की औरत दरवाजा खोलती है। अरे ये भिखारी कौन आए हैं? अरे मौसी जी, ये हमारे यहाँ काम करती है, आप इन्हें अंदर आने दीजिए। ठीक है ठीक है, तुम अंदर आ जाओ। माही की बात सुनकर सिमरन और भावना घर के अंदर आ जाते हैं। भावना घर का काम करने लगती है और वहीं सिमरन अंशु के साथ उसके खिलौने के साथ खेल रही थी। ये देख माही सिमरन की बाल पकड़कर खींच लेती है और उसे थप्पड़ मारते हुए बोलती है, तेरी इतनी हिम्मत कैसे हुई मेरी भांजी अंशु के खिलौनों के साथ खेलेगी? तूने अपनी औकात देखी है और टीचर कहेंगी। मुझे माफ कर दो मालकिन,
आज के बाद मैं अंशु के खिलौनों को हाथ भी नहीं लगाऊंगी, लेकिन मुझे मत मारो। माही उसकी बात नहीं सुनती और सिमरन को मारने लगती है। सिमरन बहुत ही रोने लगती है कि तभी वहाँ पर अंशु और भावना आ जाती हैं। अपनी बेटी सिमरन को पीटता हुआ देख माही से बोलती है, माही मालकिन, आखिर आप मेरी बेटी को क्यों मार रही है? उसकी क्या गलती है? तुम फटीचरों की कोई औकात तो होती नहीं और यहाँ पर मुंह चलाने के लिए आ जाते हो। तुम लोगों ने अपनी औकात देखी है? पर मालकिन। चुप रहो तुम। तुमने अगर एक और लफ्ज बोला तो मैं तुम्हें यहाँ से धक्के मार कर निकाल दूंगी। मासी, आप भावना आंटी से ऐसी बात नहीं कर सकती। बेटा अंशु, तुम चुप हो जाओ, वो मेरी मालकिन है, उन्हें मुझे डांटने का पूरा अधिकार है। इतना कहकर भावना और सिमरन सारा काम करके अपने घर में चले जाते हैं। शाम को भावना जब खाना बना रही होती है तब सिमरन अपनी माँ से पूछती है, माँ, ये अमीर लोग इतने घमंडी क्यों होते हैं? उन्होंने मुझे क्यों मारा माँ? बेटा, अमीर लोग हैं ना, इसीलिए अपनी मनमानी करते हैं। उनके पास पैसे हैं, उनका पूरा अधिकार है हमें डांटने का। अगर हम गलती करते हैं तो वो हमें डांट सकते हैं, क्योंकि हम उनके घर काम करते हैं। बेटा, माँ, ये अधिकार क्या सिर्फ अमीरों को ही होता है? क्या गरीब लोगों को कोई भी अधिकार नहीं होता? वो तो हमें पैसे देते हैं, उसके बदले हम उनका काम करके देते हैं, तो फिर वो हमारे ऊपर इतना अत्याचार क्यों करते हैं माँ? कोई बात नहीं बेटा, वो बड़ी थी, उन्होंने अगर तुझ पर हाथ उठा भी दिया तो क्या हो गया? उन्होंने तुझे अपना समझ के मारा है, उनको कभी गलत मत समझना। इतना कहकर भावना अपनी बेटी सिमरन को खाना खिलाने लगती है, जिसके बाद सिमरन खाना खाकर सो जाती है। थोड़ी देर बाद सुबह हो जाती है। बेटा सिमरन, उठ जाओ, क्या तुम्हें मेरे साथ आज काम पर नहीं जाना? नहीं नहीं माँ, मैं वहाँ नहीं जाऊँगी, वहाँ पर मुझे सब मारते हैं, इसीलिए आप चले जाइए, लेकिन मैं वहाँ पर नहीं जाऊँगी। सिमरन की ये बात सुनकर भावना को बहुत ही दुख होता है और वो वहाँ से उदास होकर चली जाती है। थोड़ी देर बाद सिमरन की एक दोस्त उसके पास उसको खेलने के लिए बुलाती है। सिमरन, सिमरन, आज तो घर पर ही है, चल चलकर कोई गेम खेल लेते हैं। हाँ हाँ मंजू, तू सही बोल रही है। इतना कहकर वो अपनी दोस्त मंजू के साथ बाहर रोड पर खेलने के लिए चली जाती है। वहाँ पर वो हंसते हंसते कभी कंचे खेल रही थी तो कभी पकड़म पकड़ाई खेल रही थी, और वो भागते भागते एक कार के सामने आ जाती है और कार अचानक ही रुक जाती है। उस कार में से माही निकलकर बाहर आती है और उसको एक बार फिर थप्पड़ मारते हुए बोलती है, तूने कसम खा रखी है क्या मेरा पीछा ना छोड़ने की? घर पर आती है तो घर पर मेरे नाक में दम कर देती है, बाहर रहूंगी तो बाहर मेरी कार के आगे आ जाती है। अरे तुझे मरना है तो मेरी कार के आगे क्यों मर रही है? जाकर कहीं और किसी की कार के सामने आके मर। सिमरन कुछ भी नहीं बोलती और रोते रोते वहाँ से अपनी दोस्त मंजू के पास चली जाती है। थोड़ी देर बाद मंजू और सिमरन खेलते हुए एक पार्क में जाकर बैठ जाते हैं और सिमरन देखती है कि अंशु अपने दोस्त आदित्य के साथ फोन पे पबजी खेल रही थी। अरे अंशु, तुम ये कौन सा गेम खेल रही हो, मुझे भी सिखा दो। उसके इतना बोलते ही अंशु सिमरन को फोन दे देती है और उसको खेलना सिखा देती है। अब वो दोनों रोज ऐसे ही उस पार्क में मिलते और एक दूसरे के साथ खूब खेला करते। सिमरन उसको कंचे खेलना सिखा रही थी तो वहीं अंशु सिमरन को पबजी और भी बहुत महंगे खेल खेलना सिखा रही थी। ऐसे ही दिन बीतते गए और वो दोनों बहुत ही अच्छे दोस्त बन गए। देखते ही देखते दिन बीतने लगे और सिमरन और अंशु की दोस्ती गहरी होती गई। सिमरन अब अंशु के साथ खेलती रहती, अंशु पूरा दिन घर से बाहर रहने लगी। ये सब माही को थोड़ा अजीब लग रहा था और वो ये सब देख के खुद से बोलती है, आखिर अंशु जाती कहाँ है? घर पर तो रुकती नहीं, स्कूल से आते ही सीधा वो पार्क में चली जाती है। आखिर में पार्क में ऐसा कौन सा गेम खेलती है जो घर ही नहीं आती? वो तो खाना पीना सब कुछ भूल रही है, मुझे उसके ऊपर नजर रखनी पड़ेगी। इतना कहकर माही अब अंशु के ऊपर नजर रखने लगती है और वो देखती है कि अंशु मिट्टी में लोटपोट होकर सिमरन के साथ खेल रही थी। ये देखकर माही को बहुत ही ज्यादा गुस्सा आ जाता है और वो अंशु के पास आती है और उसको डांटते हुए बोलती है, अच्छा तो तुम यहाँ पर इसके साथ खेल रही थी, मैं वहाँ पर तुम्हारे लिए परेशान होती रहती हूँ,
लेकिन तुमको कोई फर्क नहीं पड़ता। अब चल यहाँ से, आज के बाद तू इस लड़की के साथ मुझे दिखनी नहीं चाहिए, वरना मैं इसकी माँ को घर के काम से निकाल दूंगी। इतना कहकर माही अंशु का हाथ पकड़ के खींचते हुए उसे ले जाने लगती है कि तभी वहाँ पर एक कार सामने से आ रही होती है। ये सब सिमरन देख लेती है। सिमरन पीछे से दौड़ती हुई आती है और माही और अंशु को धक्का दे देती है, जिसकी वजह से सिमरन का एक्सीडेंट हो जाता है और माही और अंशु बच जाते हैं। ये देख माही को बहुत ही पछतावा होता है और वो खुद से बोलती है, हे भगवान, मैं अपनी अमीरी के घमंड में इतनी अंधी हो गई थी कि मुझे ये तक समझ नहीं आ रहा था कि गरीब लोग भी एक इंसान होते हैं। आज किसी गरीब बच्ची ने मेरी और अंशु की जान बचाई है। भगवान, मुझसे कितनी बड़ी गलती हो गई। इतना कहकर माही सिमरन को तुरंत अपनी कार में बैठाती है और उसको हॉस्पिटल ले जाती है, जिसके बाद वो उसका अच्छे से इलाज करवाती है और उसका जो भी खर्चा होता है वो सारा खर्च माही उठाती है। थोड़ी देर बाद माही सिमरन को अपने घर ले आती है और उसकी पढ़ाई शुरू करवा देती है। उसकी पढ़ाई का सारा खर्चा अब माही उठाने लगती है, जिसके बाद वो सभी लोग खुशी से एक साथ रहने लगते हैं। माँ, नया साल आ रहा है, तुम मुझे नए नए अच्छे अच्छे खिलौने दिलाओगी ना? हाँ हाँ बेटा, जरूर मैं तुम्हें अच्छे अच्छे खिलौने जरूर दिलाऊंगी, लेकिन अभी काम के लिए लेट हो रहा है, चलो काम पर चलते हैं। ठीक है माँ। इतना कहकर सिमरन और सिमरन की माँ भावना वहाँ से अपने काम पर चली जाती है। सिमरन और भावना अपनी मालकिन के दरवाजे की बैल बजाती हैं। तभी थोड़ी देर बाद घर का दरवाजा खुलता है।